नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जॉनी केपलर और मैं अपने चैनल हेल्पिंग हैंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक महान थिंकर विलियम जेम्स ने कहा है, मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और फिर उस छवि को काफ़ी देर तक वहाँ कायम रखते हैं तो आप जल्द ही वैसा ही बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। इसीलिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि सबसे पहले हम लोग अपना सेल्फ इमेज को सुधारें, अपने बारे में बेहतर महसूस करें। दुर्भाग्य से हमारे बड़े होने के साथ ही कई ऐसे मिथक हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो कि बाद के जीवन में हमारी कामयाबी, खुशी और संतुष्टि की राह के रोड़े बन जाते हैं। आइए आपकी राह में बाधा बनने वाले इन मिथकों को एक एक करके जानें। पहला और सबसे खराब मिथक इस एहसास में छिपा है, मैं किसी काबिल नहीं। ये वही मिथक है जो आपकी हीनता और अभाव की भावना को जन्म देता है। हम दूसरों को केवल इसलिए खुद से बेहतर मान लेते हैं क्योंकि वो वर्तमान में हमसे बेहतर स्थिति में है। हम महसूस करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा काबिल, ऐसे में निश्चित ही हमारी काबिलियत उनसे कम होनी चाहिए। नाकाबिल होने की यही भावना हमारे भीतर गहरे तक बैठ जाती है और इसी वजह से हम खुद को किसी के सामने अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते। नतीजतन हम अपनी काबिलियत से कम में ही संतोष कर लेते हैं। नए लक्ष्यों को हासिल करने में नाकामयाबी तो बात की बात है, हम पहले नए लक्ष्य की ही तय नहीं करते। यही वजह है कि आपको अपने भीतर यह गुण या तो विकसित करना होगा या फिर ऐसा महसूस करना होगा कि आप न केवल अच्छे हैं बल्कि आप में अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए अनिवार्य सारे गुण हैं। कुछ भी करने बनने के लिए आप में अपार संभावनाएँ छिपी है। आपने अब तक जो भी हासिल किया है आप उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी राह खुद तय करें। अनुभव से मैंने एक नियम सीख लिया है, किसी भी काम को करने या ना करने से पहले कभी भी यह चिंता ना करें कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो यह है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की आपसे ज़्यादा फिक्र किसी को भी नहीं है, यह जानकर ही योजना बनाइए। दोस्तों, जीवन में खुश रहने के लिए हमारे अंदर माफ़ करने की ताकत होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति गुस्से, असंतोष, भय, शक, शत्रुता, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं इसलिए आती है कि हम अपने ऐसे व्यक्ति को माफ़ करने की ताकत गंवा दी है जिसने हमारी राह में हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों, आज हम लोग तय करेंगे कि हमें आगे फ्यूचर देखना है या पास्ट के बातों को ध्यान में रखकर हमेशा रोते रहना है। मुझ को रोने वाले का कोई काम नहीं है, इसलिए अपने पास्ट में हुए किसी भी शत्रु को, गलतियों को माफ़ करें और जीवन में आगे बढ़ें।